यहाँ इस कॉलेज में नेपाल, बिहार या और स्टेट से आने वाले बच्चे हैं, लेकिन जो बिल्कुल नियर बाई के देहरादून या कहीं के भी बच्चे थे, उन्हें लाने के लिए उनको बहुत प्रयास करना होता है मालूम कि नहीं हम अपने बच्चों को बच्चियों को नहीं भेजेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं उनको वो करेंगे। उसके लिए उनको हर एक घर में जाके जिस तरह से हम भी जागृत करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने, प्लांटेशन करना, और एक समय था जब हमें मोटिवेट होने के लिए, हमारे समय में तो क्या था, दादियां और नानियां कहानियां सुनाया करती थी प्रेरणा से। आज के समय में सुनाने का टाइम तो है लेकिन बच्चों के पास सुनने का टाइम नहीं है, इतने बिजी हो गए हम लोग, इतने व्यस्त हो गए अपने फोन्स में, फोन्स ही कहूंगी मैं, पढ़ाई तो जो पहले थी वो अब है, परिवार जो पहले थे वो अब है, और ऐसा भी नहीं कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारियां डाल रही हैं। हमें शौक है बड़े होने का, जिम्मेवारियां लेने का, लेकिन जिम्मेवारियों जितनी हम जिम्मेवारियां लेते हैं उतनी हमारी ड्यूटीज बढ़ जाती है, इसलिए अपने अंदर के बच्चे को जागृत रखें, शरारतें करते रहें, अपने बचपने को जागृत रखें, क्योंकि बड़े होने के बाद तो जिम्मेवारियां हैं ही हैं। कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से? बनाओ पूरा स्टूडियो।